तो टाइम आ गया है मेजरमेंट्स का, ये है मेरा डोला। अब डोला नापते हैं कि ये कितना साइज है इसका। एक्चुअली हार्ड फ्लेक्स 15.3 इंच का मेरा डोला है और राइट डोला से छोटा है ये, देखो दिखाता हूं। एसिमेट्रिकल मसल, बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं भाई मेरा लेफ्ट डोला राइट डोले से छोटा है, राइट डोला लेफ्ट डोले से छोटा है। तो मेरा राइट डोला जो है वो 15 इंचेस है, लेफ्ट डोला जो है वो 15.3 इंचेस है। मेरा एब्डोमेन आज 36 इंचेस आया है क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हवा भर के पूरा एब्डोमेन जो है वो नापता हूं ताकि मुझे पता रहे कि किसी दिन अगर मैं ब्लोटेड भी हूं और मैं फ्लेक्स ना भी कर पाऊं तो मेरी रीडिंग्स में एरर ना आए। बाकी कंडीशन देख लो। कंडीशन तुम्हारे भाई की सही है, अभी बाल वाल हटवाने सारे और अच्छी हो जाएगी कंडीशन। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेनिंग फेज के लिए। 36 इंचेस एब्डोमेन एंड 15.3 एंड 15.0 या 15। तो अब मैं इन तीनों चीजों को टारगेट करूंगा, बाइसेप्स को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, एब्डोमेन को इतना या फिर इससे थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। बाकी सारी चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी। बाकी सारी चीजें मैं इसलिए नहीं नाप रहा बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट देम, मैं उनको एडिक्वेटली टाइम दे देता हूँ और वो मेरे वीक पार्ट्स नहीं है। मेरा वीकेस्ट पार्ट है मेरे आर्म्स। आर्म्स बड़े करने हैं। एटलीस्ट मेरा गोल है अगले 12 हफ्ते में 15.6 लेके जाना लेफ्ट वाले को और 15.3 लेके आना, मतलब 0.3 इंचेस का इंक्रीमेंट करना, विच इज रियलिस्टिक और करके दिखाएंगे। बहुत बड़ी गलती जो करते हैं लोग अपने गेनिंग में वो ये करते हैं कि वो वीक पार्ट्स को नहीं करते ट्रेन और सारे पार्ट्स को करने लग जाते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, फोकस करो, जो आपका वीक पार्ट है उसको फोकस करो एंड उसको ग्रो करो। लेट्स डू दिस गाइस, दिस इज गोना बी रियली इंस्पायरिंग एंड रियली मोटिवेटिंग फॉर यू गाइस एंड रियली नॉलेजेबल। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी नव्या का पोस्टीरियर चेन में ग्लूट से लेके मिड बैक तक बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसको एंड आई एम वेरी टेंस्ड कि इसको कहीं इंजरी ना हो गई हो। तो अभी हम किसी डॉक्टर से कॉल करके पूछते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा है मील नंबर वन। इसके अंदर मैं खा रहा हूँ चिकन है ये एक टाइप का, 100 ग्राम चिकन, 4 ब्रेड एंड केचप। वॉलिनी नहीं खा रहा मैं, वॉलिनी नव्या को लगानी थी। सो So finally, welcome to playlist number 2, episode number 1, guys. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करूंगा एंड मेरे मेजरमेंट्स क्या हैं एंड मैं डे 1 पे आज क्या खाने वाला हूँ, आगे मेरी कैलोरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। बने रहिए, वर्कआउट भी दिखाऊंगा आज मैं और वर्कआउट में थोड़े टिप्स एंड टेक्निक्स भी दूंगा आपको कि कैसे आप अपने इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हो एंड कैसे आप अपने मैक्स कैपेसिटी पे परफॉर्म कर सकते हो। व्हाट शुड यू डू, व्हाट स्ट्रेटजी वुड आई फॉलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके अंदर मुझे 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा क्योंकि मेरे 100 ग्राम ओट्स में 14 ग्राम प्रोटीन है एंड 9 ग्राम प्रोटीन मुझे दूध से मिल रहा है। 300 ग्राम दूध है, मैं टोन दूध पीता हूँ। सो ये बहुत टेस्टी है एंड हाई इन प्रोटीन भी है बट हाई इन कैलोरीज भी है। तो अपने डेली कैलोरिक इंटेक के हिसाब से ही खाना। मेरा डेली कैलोरिक इंटेक आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। इस मील के मैक्रोज आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। लेट्स ईट इट एंड लेट्स गो टू द मील। सो एसी वेसी ऑन कर दिया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय नेक्स्ट मील। दिस इज माय मील नंबर 3 और यहाँ पर है 5 एग वाइट्स, ये बहुत सारी सॉस, 2 नॉर्मल ब्रेड जिसको मैं ऑमलेट को इसके बीच में लगा के खाऊंगा और ये 2 क्रिस्पी एयर फ्राइड ब्रेड्स। इसका क्रिस्प तो आपको पता ही होगा, पहले भी दिखा रखा है। ऐसे इसके अंदर डिप करके खाऊंगा डिप की तरह। इसको बनाने का प्रोसीजर सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ब्रेड्स को काटना है, उसको एयर फ्रायर में डाल देना है। अगर आप काट काट के बनाओगे पतली पतली स्ट्रिप्स बन जाती हैं क्रिस्पी कुरकुरे जैसी एंड इट्स रेडी। 2 से 3 मिनट में आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे विदाउट ऑयल। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो या तो आप खरीद लो या फिर आप नॉन स्टिक पैन पे, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगेगा, आप ऑलिव ऑयल डाल के या फिर घी डाल के या कोई भी लो कैलोरी ऑयल डाल के या कोकोनट ऑयल डाल के भी उसका फ्लेवर आ जाता है कोकोनट ऑयल का, और कोई रीजन नहीं है, तो आप बना सकते हो उसको। सो यू कैन गो फॉर इट एंड Let's just go for a crisp test now. ये इसमें हमने डुबाया and मजा आ गया भाई। बाकी यार जो आजकल यंगस्टर्स के साथ और उनके पार्टनर्स के साथ होता है, मेरा खाने के साथ सीन होता है। मेरे को पहले यार इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा था, फिर इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगने लग गया एंड आई एम अनेबल टू डिसाइड किसको ना खाऊं किसको खाऊं क्योंकि अब मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अब मैं ये खत्म करूंगा और एंड की बाइट उसकी रखूंगा ताकि मुझे मजा आ जाए। इट्स लाइक कि दोनों को रखता है अपनी लाइफ में या रखती है और उसके बाद जो पसंद आता है उसको पहले खाता है। खाता दोनों का है, वो दोनों मरते हैं, जीता सिर्फ यही है। सो ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट सॉर्ट हो चुके हैं, थोड़े से बचे हैं वो भी सॉर्ट कर रहा हूँ मैं। मील ब्रेक लिया मैंने, दिस इज माय प्री वर्कआउट मील। गेनिंग में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो दिस इज सीरियल कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स, आपके स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, ये वाले यूज करता हूँ मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा अगर लेना हो तो। लोएस्ट कैलरी है, फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग है। इसके अलावा कोई भी कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सड होता है, नट्स वगैरह ये वो मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। सो मैं इसके अंदर एक स्कूप वे दूध,
अनार और कॉर्नफ्लेक्स डाल रखे हैं। ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन माय बोल आर फास्ट डाइजेस्टिंग। अनार के अंदर 18 ग्राम शुगर होती है 100 ग्राम अनार के अंदर, सो ध्यान रखना। अगर आप इसको वर्कआउट से पहले लेते हो आपको पंप बहुत अच्छा आएगा, वैसो डायलेशन में भी हेल्प करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करने में भी हेल्प करते हैं। पोमेग्रेनेट एंड साथ में सीरियल ग्लाइकोजन स्टोरेज इसको इतना भर देगा ये कि आज मेरा जो वर्कआउट है तो मेरी फटने वाली है। अभी इसको कंप्लीट करूंगा मैं, उसके बाद चेंज करूंगा एंड देन मैं आपको मिलता हूँ जिम में। तो यहाँ पर रिहैब सेशन चल रहा है, बढ़िया। हमारे पास आई हुई हैं निकी कपूर, जो सबकी बॉडीज खोलती हैं, क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको नफरत नेजा, आपके जो मसल्स प्रेन का हाल था सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू निकी कपूर, अब मेरा शोल्डर भी ठीक कर दे यार, सारे के सारे मसाज कराते हैं निकी कपूर से। बस यही शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ये पेज खोल लूँ एक, पसीने मेरे निकल गए। मसाज वाली लड़की। So here I am having my black coffee and इसके बाद मैं आज अकेले ही वर्कआउट करने वाला। अभी रात के 8 बज रहे हैं, सारा का सारा काम खत्म हो चुका है। Now I have my black coffee shot and I hit a push workout। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, अगर यहाँ पर रख के कहीं पे कर पाया तो कर लूंगा आप लोगों के लिए, वरना मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा आज, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए वर्कआउट। फिर भी ट्राई करूंगा मैं एक दो वीडियोज रिकॉर्ड करने का दूर रख के। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, पुश वर्कआउट करना है, एग्जॉस्टिंग वर्कआउट करूंगा आज, तोड़ दूंगा अपने आप को। बहुत ज्यादा माइंड सेट बना के आया हूँ आज कि मैं फाड़ के रख दूंगा अपने आप को। तगड़ा वर्कआउट लगाया मैंने 2 घंटे का, 10 बज चुके हैं, 10 या 10:15 बज रहे हैं। एंड आई एम हैविंग माय पोस्ट वर्कआउट मील, ये है 100 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, मतलब रॉ राइस नहीं खा रहा मैं, कुक कर लिया मैंने 100 ग्राम्स, 200 ग्राम बन जाते हैं। 1:3 का रेशियो, मेरे को नहीं पता कि कौन से जन्नत में बनाते चावल, मेरा तो 1:2 का रेशियो आता है। एंड साथ में 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, मैं होल चिकन बना के रख लेता हूँ, 300 ग्राम का बनता है, उसमें से 200 ग्राम खा रहा हूँ मैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, अब इसे खाते हैं। वो खाते हैं हम अपना मस्त मील। सो इसके अंदर हमारे पास है, बताई दिया वैसे मैंने आपको, दोबारा बताऊंगा फालतू में। तो इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, दिस इज कढ़ाई चिकन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सबसे बढ़िया बात मुझे अपनी ये लगती है कि मैं हर एक चीज़ का एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेता हूँ। अपनी तारीफ करने में एक अलग ही नशा है, एंड व्हाई नॉट, अगर आप सच में एक बढ़िया इंसान हो तो। मैंने स्मार्ट तरीके ढूंढ रखे हैं और वही स्मार्ट तरीके मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ कि कैसे आप अपनी ट्रांसमिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप ये कहोगे कि भाई तू मसल गेन पे तू विदाउट ऑयल क्यों खाता है, बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टिंग कैलोरीज ऑन ऑयल। मैं वही कैलोरीज नट से खा लूंगा, मुझे फील भी आएगी कि भाई मेरे मुंह में कुछ जा रहा है और मेरी एपेटाइट बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए आई लाइक कंज्यूमिंग माई कैलोरीज एंड फीलिंग देम। हाई वॉल्यूम फूड खाने का मेरा मन करता है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिस जो एक हार्ट गेनर है और उसकी एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, भरो ऑयल खाने में, लिक्विड कैलोरीज है भाई, भरो शेक्स पियो। अब आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो ही तो मेरे हसल का पार्ट भी बनो। देखो 2:21 AM हो रहे हैं और ये जो फुल डे ऑफ ईटिंग शूट हो रहा है, साथ साथ मैं एडिट कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं क्लाइंट्स का काम कर रहा था, जिसके चक्कर में मैं बिल्कुल भी नहा भी नहीं पाया अभी तक। वर्कआउट करने के बाद मैं सीधा डिनर लेके आ गया था अपना, डिनर नहीं जो भी मेरा मील था वो,
उसके बाद फिर क्लाइंट्स की वही रीसॉर्ट करनी थी एंड उसके बाद फिर एडिटिंग करनी थी। एंड नाउ अब मैं जाऊंगा नहाने के लिए, नहाने के बाद अपना प्री वेड मील तैयार करूंगा, आपको मिलता हूं अपने प्री वेड मील पे, उसके बाद टोटल कैलोरीज डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मैं इतनी कैलोरीज क्यों खा रहा हूं, इतना प्रोटीन क्यों खा रहा हूं। सोने से पहले मैं 2 टैबलेट्स KSM-66 अश्वगंधा की लेता हूँ। KSM-66 फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है अश्वगंधा का, तो इसलिए बस और कोई रीज़न नहीं है। एंड कुत्ते पता नहीं क्यों जग जाते हैं इस टाइम पर, अभी 3:30 बज रहे हैं रात के और मेरा प्री वेड मील वहाँ पड़ा हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको बेडरूम में जाके क्या खाता हूँ, क्यों खाता हूँ। तो ये हो गया अपना प्री वेड मील, इसके अंदर मैं 500 ml दूध लेता हूँ, रोज का है मेरा फिक्स डे है पिछले 6-7 महीने से, मुझे इसके बिना नींद नहीं आती। 500 ml दूध, और ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं है। इसके अंदर मैं जनरली जब मेरे थोड़े लो कैलरी डेज होते हैं उस दिन पे मैं 30 ग्राम सीरियल लेता हूँ। आज मैंने 60 ग्राम सीरियल लिया है और साथ में 30 ग्राम काजू लिए हैं, जिसमें से 2-3 में अभी आते हुए नीचे खा गया। दिस इज इट गाइज, ये था मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा पूरा का पूरा लॉग मेंटेन होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मैंने पूरा का पूरा लॉग मेंटेन करके रखा है। मैं अपना बेली और बाइसेप और वेट सातों के सातों दिन रीडिंग लूंगा, उनकी एवरेजेस लूंगा और उसके हिसाब से अपने फर्दर ट्वीक्स करूंगा। गेनिंग मसल इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, तो अगर उसके अंदर आप कोई भी गलती करते हो तो वो आपको पता लगनी चाहिए, वरना कब आपका मसल गेन हो रहा है, कब आपका फैट गेन हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। फैट लॉस इज ईजी, फैट लॉस के लिए जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई आप जाके देख सकते हो। मसल गेन के अंदर हर एक चीज आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताया कि मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं, वो भी करूंगा कवर, सब कुछ करूंगा कवर। अपने बॉडी के हेयर भी हटवा के आऊंगा ताकि आपको कंडीशन चेक भी दे पाऊं कि अभी मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड देन वी विल डू इट गाइज, अब ये खाते हैं, मजा आया था भाई अलग ही। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, चक दे फट्टे, क्यों बोला मैंने क्यों, आई डोंट नो। स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग, लव यू गाइज, बाय गाइज, गुड नाइट।